तो हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ट्राई के बारे में, और साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा एमआईबी के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ट्राई ने एमआईबी को निर्देश दिया है, एक कहे तो रिक्वेस्ट किया है कि एमआईबी शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी फ्रेश रेगुलेशन इन केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। ट्राई ने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय से रिक्वेस्ट करा है कि अब केबल टीवी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई नया नियम नहीं पेश करना चाहिए, उसी को लेकर अपडेट रहने वाला है। ट्राई की सिफारिश एमआईबी को केबल टीवी वितरण क्षेत्र में कोई नया नियम नहीं पेश करना चाहिए, उसी को लेकर अपडेट है। जैसे कि दोस्तों बता दूं कि ट्राई ने सूचना प्रसारण मंत्रालय यानी कि एमआईबी से सिफारिश की है कि सरकार को केबल टीवी वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कोई नया नियम या कोई सुधारात्मक उपाय नहीं करना चाहिए। ट्राई ने आगे एमआईबी से निगरानी करने का अनुरोध किया है, लेकिन उचित समय पर ही हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। हालांकि ट्राई ने सिफारिश सरकार ब्रॉडबैंड सेवाओं से प्रावधान के लिए अंतिम सक्षम करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं यानी कि टीएसपी के साथ एक स्थानीय केबल ऑपरेटर द्वारा केबल बेबुनियादी और ढांचा को साझा करने की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकती है। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, जो केबल टीवी का रेगुलेशन है, डीटीएच का रेगुलेशन है, जिस वजह से आप सभी को मालूम है कि बिज़नेस कितना लो हुआ है। इससे किसी को फ़ायदा हुआ नहीं है, ना ही कस्टमर को, ना ही एमएसओ को, ना ही डीपीओ को, ना ही ब्रॉडकास्टर्स को। बिकॉज़ एक टाइम हुआ करता था कि केबल टीवी में नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, नंबर ऑफ़ चैनल्स चलता था, और बहुत कम पैसे में ही सभी को कनेक्शन मिल जाते थे। जबकि होता ही था कि सभी के सभी प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचता था, जिससे एक फिक्स्ड अमाउंट आता था, जिस वजह से एमएसओ, एलसीओ और ब्रॉडकास्टर सबकी इनकम सही हो जाती थी। ट्राई के नए रूल आने के बाद से क्या हुआ, चैनलों को प्राइस ज़्यादा हो गया, जीएसटी लागू हो गया। उसके साथ साथ दोस्तों हुआ यूँ कि जो चैनल्स थे, जो पहले सभी चैनल्स दे दिए जाते थे, यहाँ पे हम लिमिटेड चैनल दिए जाने लगे, जिससे एक तो कम चैनल भी मिला, साथ में प्राइस भी ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग केबल टीवी या डीटीएच से हाथ छुड़ाना शुरू कर दिया, यानी कि कनेक्शन कम होता गया। अगर कनेक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है, अगर सब्सक्राइबर बेस कम होंगे तो चैनल कम देखे जाएंगे, अगर चैनल कम देखे जाएंगे तो टीआरपी में कमी होगी, अगर टीआरपी में कमी होगी तो एडवर्टाइजमेंट से उन्हें ब्रॉडकास्टों को पैसा जनरेट नहीं हो पाएगा। इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा चलता ही रहता है। आज के डेट में केबल टीवी और डीटीएच इंडस्ट्री बिल्कुल वेंटिलेटर पर आ चुकी है, ये छुपाने वाली बात नहीं है, सबको मालूम है। और तो उसी को लेकर यहाँ पे ट्राई ने रिकमेंड किया है एमआईबी से कि अब केबल टीवी रेगुलेशन को लेकर कोई नया कानून नहीं लाने चाहिए अभी फ़िलहाल नए कुछ। साथ ही ट्राई ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप इस चीज़ को मॉनिटर करें, और साथ ही गवर्नमेंट जो भी सूटेबल लगता है वो चीज़ वक्त आने पे करें, हमेशा इस पर हस्तक्षेप नहीं का होना चाहिए। बिकॉज़ लगभग 2 साल से आपको NTA 2.0 के अनाउंसमेंट हुआ है, अभी तक लागू भी नहीं हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें होता रहता है यहाँ पर। तो ये अपडेट है, अब ट्राई इस पर सूचना प्रसारण मंत्रालय कितना अमल करता है तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर ट्राई भी अब कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इस रेगुलेशन को अब ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, जिस तरीके से चल रहा है चलने दिया जाए, अन्यथा ये बिजनेस को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।